आज का दिन रामनवमी का दिन, आज का दिन नवरात्रों का आखिरी नवरात्रि, नवमी जैसे हम नवरात्रि रखते हैं, नौ दिन के होते हैं, तो आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। यहाँ पे हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज, अपनी फेमिनाइन एनर्जीज, अपने आप के बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और प्रश्न भी लेंगे। मुझे प्रश्न पूछना और उत्तर देना मुझे बहुत पसंद है और मैं इस बात का यकीन करती हूँ कि अगर अष्टावक्र ने प्रश्नों का जवाब ना दिया होता तो राजा जनक की वो स्थिति ना होती। अगर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी शंकाओं का, उसकी उदासी का, जो उसका दूसरा मुख हो रहा था, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, उसका समाधान ना दिया होता तो मैं समझती हूँ अर्जुन कभी भी आत्मधनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार ना होते। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग जीवन में आज जहाँ पे भी हो, आप लोग ध्यान करते हो, आप लोग कोई भी साधना करते हो, किसी भी गुरु को मानते हो, कोई भी जीवन पद्धति से अपना जीवन चला रहे हो, चाहे वो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सांख्य योग है, भक्ति योग है, आज सभी के लिए, आज का दिन सभी के लिए। क्यों? आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में कुछ पल के लिए रुकिए, कुछ पल के लिए ठहरिए और अपने आप को देखिए। चाहे आज जीवन में घनघोर अंधेरा है, चाहे आज जीवन में कोई भी संकट है, चाहे जीवन में आज कोई भी समस्या है, सबका एक कारण है, सबका एक कारण है। तो आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो राम के विषय में लिया, क्योंकि मुझे लगा रियलाइज द राम, मेरा टॉपिक आज का था रियलाइज द राम विदिन। ये कौन से राम की बात हो रही है, ये कौन से राम की बात हो रही है? क्या ये उस राम की बात हो रही है जो दशरथ का बेटा था? क्या मैं उस राम की बात करती हूँ जो दशरथ का बेटा था? क्या मैं उस राम की बात करती हूँ जो जिनकी पत्नी सीता थी? मैं उस राम की बात करती हूँ जिन्होंने सागर में पुल बनाया और लंका को जीता? नहीं दोस्तों, नहीं। मैं उस राम की बात करती हूँ जो राम घटघट में लेता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घटघट में लेता, जो आप सबके भीतर, आप सबके भीतर उस परम प्रकाश, परम ज्योत, उस ज्योत, उस परम प्रकाश, उस परमात्मा की जो प्रिय संतान है, जो उसका नूर है, जो उस अल्लाह का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का जो असली स्वरूप है, जो ज्योत के रूप में आपके हृदय में, आपकी श्वासों के द्वारा, आपके इस जीवन में, जब आपने श्वास ली इस जीवन में आए और जिसने आपका साथ किया, जो आपके साथ है जब तक आपका जीवन है, मैं उस राम को नमन करती हूँ। वो राम है, वो श्वास है, वो जीवन है, तब तक संभावना है मैं अपनी इस यात्रा में कितने पायदान आगे बढ़ जाऊं, मैं अपने इस जीवन की यात्रा में कितने पायदान, कितनी सीढ़ियां आगे चढ़ जाऊं, तब तक संभावना है जब तक मेरे भीतर वो आत्मा है, आत्मा का प्रकाश है और वही मेरा राम है। राम के जीवन की चर्चा अगर हम करते हैं तो आप सब जानते हो राम का आज जन्म हुआ। राम का जन्म आज 12 बजे दोपहर में कहते हैं कि राम जी का जन्म हुआ था। और राम दशरथ के घर में उन्होंने जन्म लिया, चार भाइयों ने जन्म लिया, राम का जन्म आज हुआ दोस्तों। और राम बचपन से जिस लाड़ प्यार से महल में जन्मे, यहाँ पे एक तुलना होगी दोस्तों, तुलना। हम इस बात को जानते हैं, पत्री सर कहते हैं हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। तो ये राम जो हैं, जो अयोध्या में जो राज किया करते थे,
ये राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये राम जिनको सबसे ज्यादा प्रिय उनके भाई हैं, जिनके भक्त हनुमान हैं, इन राम के जीवन में भी वैराग्य आया था। आज का इस सारी जो आज हम आपसे मिल रहे हैं और आपके हम रूबरू हो रहे हैं, इस बात में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, रियलाइज द राम। रियलाइज, आप ऐसा मत समझ लेना कि माँ के गर्भ से जब हम आते हैं तब हम पूरे ज्ञानवान पूरे एनलाइटेड मास्टर्स होते हुए भी कुछ अज्ञानता को या इस जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, आगे अपने विकास के लिए हम कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों का चयन करते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों को चुनकर आते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन की लीला को कर सकें। आपने मुंबई में जन्म लिया, मैंने दिल्ली में जन्म लिया, किसी ने अमेरिका में जन्म लिया, किसी ने दक्षिण में जन्म लिया, हम सब आत्माओं ने अपने आने का चुनाव किया। भगवान राम ने अयोध्या में आने का चुनाव किया। भगवान राम आए उस समय के युग को बदलने के लिए। उस समय धरती पर यज्ञ हुआ करते थे, वो जो त्रेता युग था, त्रेता युग में ज़्यादातर धरती पर अपना जिसे कहेंगे अभी ये ध्यान युग, जैसे हम कहते हैं कि आज ध्यान युग है, वैसे ही उस समय का जो युग था वहाँ पे मंत्र उच्चारण और यज्ञ हुआ करते थे। उस समय देवताओं और दानवों के बीच में कुछ इस प्रकार का चल रहा था कि हमेशा जो दानव प्रकृति थी, यानी जो तामसिक प्रवृत्ति थी, वो तामसिक अगर हम गुणों के आधार पर देखते हैं दोस्तों, तो हमेशा युगों में अलग अलग चीज़ों की स्थापना की गई है, अलग अलग। जैसे आज हम श्वासों के द्वारा ध्यान युग में हम आ चुके हैं, तो उस समय भगवान राम ने जब जन्म लिया उस समय धरती पर बहुत ज़्यादा राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, जो कि जो संत होते थे, जो ये अपने जैसे विश्वामित्र ये सब गुरु लोग होते थे, जो यज्ञ किया करते थे, जो शिक्षा का कार्य किया करते थे, तो उस तरह के चीज़ों में विघ्न और बाधाएं डाला करते थे। राम के जन्म को ही हम लेकर देखते हैं, अगर हम पूरा राम का एक जीवन काल देखते हैं, फिर अपने भीतर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ कि करीब से देखना होगा। भगवान राम जैसे ही अभी युवावस्था को पा रहे हैं, अभी मतलब 16 साल के भी पूरे नहीं हुए हैं, एकदम यंग हैं, और राम उनका विवाह ही कहते हैं कि बहुत जल्दी आयु में जैसे हो गया था, तो राम भगवान के मन में जिज्ञासा जगी कि मुझे जंगल देखकर आने हैं। उनका मन हुआ तीर्थ स्थानों के दर्शन करने का और सभी और जाने का, और उन्होंने ये अपनी जिज्ञासा अपने पिता के सामने रखी। देखिए किस तरह से एक जिंदगी होती है, एक जीवन होता है, और किस तरह से उसका पूरा सोल प्लान होता है, किस तरह से लीलाधारी चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो राम हो, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की रचना, जीवन का डिज़ाइन बनाया उस समय की ऊर्जाओं के अनुरूप, उस समय अपने कार्य करने के अनुरूप। जब भगवान राम ने दशरथ को कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और उनको भेज दिया गया, और वो बहुत कहते हैं बहुत स्थानों में उन्होंने घूमे देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा, वनों में अपना घूम कर तीर्थ स्थानों के दर्शन कर। लेकिन कहते हैं कि जब वो राजमहल में, अगर आप लोगों ने योग वशिष्ठ पढ़ा होगा तो उस किताब में इस तरह के संवाद उनके दे रखे हैं, उनकी जो चर्चा है उनके जीवन के बारे में, अलग अलग जो खंड हैं, अलग अलग खंडों में उनके जीवन के अलग अलग इन भावों की चर्चा की गई है कि किस प्रकार भगवान राम के जीवन में भी वैराग्य आया। इन सब बातों को बताने का मेरा केवल इतना तात्पर्य है, अगर आपके जीवन में, मैं कहीं ना कहीं आपके जीवन को बार बार लेकर आऊँगी फ्रेंड्स, कि भगवान राम के जीवन में जब वैराग्य आया और घूम कर आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भगवान राम का शरीर कमज़ोर पड़ने लगा था। यंग अवस्था में सोच के देखिए, यंग अवस्था में उनका मन कहीं नहीं लग रहा और उनको बिल्कुल शरीर कमज़ोर हो रहा है। ऐसा देखिए उनके जो और भाई थे उनका भी मन इस तरह से कुछ वैरागी अवस्था में जाने लगा। देखने में तो आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो भगवान राम हैं, उनके संग ऐसा क्यों हुआ। हर चीज़ के पीछे कारण है, हर चीज़ के पीछे कारण है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आता, जब तक जीवन में प्रश्न नहीं होते,
तब तक ज्ञान भीतर जा नहीं सकता, ज्ञान भीतर नहीं जा सकता। ज्ञान को पाने के लिए एक बार को डिटैचमेंट, संसार के प्रति उदासीनता होना इस प्रकृति का जैसे एक नियम सा ही हो जाता है। बहुत कम ही विरले लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजा जनक की भांति राजाई में रहते हुए, धन ऐश्वर्य संपदा होते हुए जीवन के सत्यों को जानना चाहा। भगवान राम अब आ गए हैं उनको लेने के लिए गुरु विश्वामित्र। विश्वामित्र आ गए हैं और आकर बोलते हैं कि मुझे राम को और सबको लेकर जाना है, क्योंकि बहुत उत्पात मचा रखा है राक्षसों ने और उनको, मुझे राम को लेके जाना है। उधर तो राम की अवस्था दशरथ से, राजा दशरथ से नहीं छिपी थी। अब दशरथ राजा बोलते हैं उनको, मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, अभी 16 साल का भी पूरा नहीं हुआ है, आप उनको किस प्रकार से लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब उनको उनके वंश के बारे में, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं आप इस तरह से सूर्यवंशी, और किस तरह से आपको इसके बारे में आप कह रहे हैं उनके मन में, इस तरह से वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि जब उन्हें समझाते हैं, बताते हैं, तो वो तैयार होते हैं भगवान राम को वन में भेजने के लिए। इन सब विषयों के पीछे जब भगवान राम को, यहाँ पे एक मेरे को बहुत ही एक खूबसूरत ये चीज़ लगी है, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि ये समझ लीजिए, अगर आप मुक्ति का साधन केवल ज्ञान मानते हैं तो केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं, कर्म बहुत ही मुख्य साधन है। कर्म एक तरफ, कर्म और एक तरफ ज्ञान। हम सब लोग सहज मार्ग पर चल रहे हैं, मध्यम मार्ग पर चल रहे हैं, हम सब लोग गृहस्थी हैं, पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, हम सब लोग इस तरह के अपने जीवन को जी रहे हैं। तो अगर हमारा ज्ञान, हमें कितना ही ज्ञान लग गया, लेकिन ये ज्ञान तब पता चलता है हमारे कर्म किस प्रकार के हैं, हमारा जीवन शैली किस प्रकार की है, हम जीवन में कर क्या रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए, अगर मेरे को co-host बनाया गया है तो I can share। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यहाँ पे आई कैन सी कि देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन को आप देख, ये फ्रेंड्स मैं सिर्फ ये कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मुझे योग वशिष्ठ और अष्टावक्र गीता, मेरे हृदय के दो पुस्तकें बहुत ही करीब हैं। और बहुत जल्दी मैं PMC हिंदी पे, अभी तो कबीर वाणी शुरू हुआ है, लेकिन मैं अष्टावक्र गीता और योग वशिष्ठ इसके बारे में, ये मेरे क्योंकि करीब है, मैं बोलना चाहूँगी इस विषय में। तो यहाँ पे मैं उस वक्त आपके सामने ये लेकर इसलिए आई हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग खुद भी पढ़िएगा, लेकिन मैं फिर भी देख के आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ जब भगवान को लेकर, भगवान राम को लेकर जब आते हैं वशिष्ठ मुनि के पास, किस प्रकार उनके अंदर ये भाव जागता है, और वो बोलते हैं कि अपना एक बता रहे हैं कि अपने बारे में। अब आप सुनिए, तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स ये जो चंद लाइनें हैं भगवान राम की, ये मैं बताना चाहती हूँ कि वो किस प्रकार से भगवान राम ने कहा, भगवान यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ तथापि इस समय आपके पूछने पर सब कुछ कहूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों के वचन को कौन उल्लंघन कर सकता है। अब भगवान राम अपनी स्थिति को, जैसे हमने गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की स्थिति को देखते हैं, उसी प्रकार अब हम भगवान राम के जीवन की स्थिति को देखेंगे, जब वो वशिष्ठ मुनि के सामने बैठे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं, और उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने किस प्रकार से भगवान राम को ज्ञान दिया, और किस प्रकार से भगवान राम ने फिर अपने धर्म का पालन किया, और ना ही केवल जंगल में उन राक्षसों के संहार के लिए, अपितु अपने पूरे जीवन में, पूरी अपनी लाइफ टाइम में। हेलो, बल्कि अपने पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, हम इस चीज को जानते हैं। उन्होंने अपने धर्म का, भगवान राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो यहाँ भगवान राम बोल रहे हैं, मैं यहाँ अपने पिता के घर उत्पन्न हुआ, क्रम से बड़ा और विद्या भी प्राप्त की, उसके बाद हे मुनि नायक, सत आचरणों के अनुष्ठान में तत्पर होकर तीर्थ यात्रा के लिए समुद्र पर्यंत पृथ्वी के चारों ओर भी विचरा।
इस बीच इस संसार पर आस्था को हरने वाला यह विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ यात्रा के दौरान, जब मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था जिसे मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन उक्त विवेक से पूर्ण हो गया, उससे सब विषय परिणाम में नीरस हैं, ऐसी मेरी बुद्धि हुई। क्योंकि भगवान राम की क्या बुद्धि हुई कि ये जो भी संसार है ये व्यर्थ है, इस संसार का क्या लाभ है, ये जो संसार का प्रवाह है क्या ये सुख का कारण हो सकता है, ये तो माया है, अर्थात इस विस्तृत संसार से कभी सुख नहीं मिल सकता। इसमें जो भी जीव पैदा होते हैं वो मरने के लिए ही तो आते हैं, जो मरते हैं वो जन्म के लिए ही तो मरते हैं, उनसे सुख नहीं मिल सकता। इस विषय में यदि शंका है तो जीवन बीच के जीवन में कुछ समय सुख मिलता है, कुछ समय नहीं मिलता, इस प्रकार से भगवान राम कह रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, चर और अचरों की चेष्टाओं से युक्त वैभव काल में रहने वाले ये जितने भोग के साधन पदार्थ हैं ये सब के सब क्षणिक हैं। अब आप ये समझिए, उनके वैराग्य की स्थिति को समझिए, वो ये बोलते हैं ये क्षण भंगुर है, ये संसार की माया क्षण भंगुर है, सदा रहने वाली नहीं है, तो इस प्रकार के भोग पदार्थों को लेकर मैं क्या करूँगा, इस प्रकार की उनकी स्थिति बन रही है भगवान राम की। फिर भगवान राम कहते हैं कि जो लोहे की शलाकाओं के समान ये विषय, मतलब लोहे की सलाखों से कंपैरिजन कर रहे हैं, ये विषय परस्पर एक दूसरे से मिले जुले भी नहीं किंतु केवल मन की कल्पना से उनका संबंध जबरदस्ती माना जाता है। मतलब ये अर्थात ये मेरे उपभोग के साधन है, इससे मैं ये काम करूँगा, इस प्रकार की मन की कल्पना से उन विषयों का परस्पर क्रिया कारण भाव से संबंध माना जाता है। यानी कि अगर आज मैं कल्पना ही कर लेता हूँ, मेरी कोठी हो गई, मेरा बंगला हो गया, मेरा ये हो गया, अभी मिली नहीं है मुझे कोठी, अभी मुझे कोई भी संपदा मिली नहीं है, लेकिन अगर मैं उसकी जुड़न मन के साथ भी कर लेता हूँ तो केवल विषयों के साथ किया गया संबंध जो कि मन के द्वारा एक मतलब कि किया गया है, उसमें भी उलझने का, उसमें भी फंसने का, ऐसा ये संसार है। तो कहते हैं ये कृत्रिम वेश के समान दिखने वाला ये सारा जगत मन की कल्पना मात्र है, और ये मन भी विवेक ज्ञान होने पर शून्य सा प्रतीत होता है। कितना ही ज्ञान आ जाए, अभी सब बोलेंगे बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, जैसे है नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान नहीं है। फ्रेंड्स, इस ज्ञान का तब पता चलता है जब ज्ञान की कोई परिस्थिति आपके जीवन में आती है, और उस समय आपके मन में विचार कैसे आते हैं, आप क्या किसी की मृत्यु को देखकर डोल जाते हैं, हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब आपके आपके जीवन में ज्ञान पूरी तरह नहीं उतरा। अभी हम मृत्यु को सत्य मानते हैं, हम मृत्यु को सत्य मानते हैं तो ये ज्ञान नहीं है। तो बोलते हैं कि मन से भी हम सुख की आशा नहीं कर सकते, फिर हम लोगों को इतने समय तक सुख होगा, इस प्रकार का मोह किसने रखा है। अब दोबारा राम कह रहे हैं कि जैसे मरुस्थल को जल समझ के जो मृग है वन में दूर दूर तक भटकता है फिर भी कुछ नहीं मिलता। अब ये अपनी स्थिति बोल रहे हैं भगवान, हमको बोल रहे हैं, हम वैसे ही मूढ़ बुद्धि हम लोग इस संसार में असत पदार्थों को सत्य मानकर इधर उधर भटकते रहते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं लगता। मुझे राज्य का क्या करना है, मतलब सारी की सारा प्रपंच इस बात का है कि राज्य राज्य राज्य, वो बोलते हैं मुझे क्या करना है कि संसार रूपी प्रपंच में इन भोगों में मुझे नहीं चाहिए, मुझे राज्य से क्या, मुझे इन भोगों से भी क्या, मैं कौन हूँ। अब यहाँ पे वही प्रश्न आ गया, मैं कौन हूँ। आज का जो विषय है वो सिर्फ इतना विषय है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये प्रश्न भगवान राम के जन्म के साथ, भगवान राम इस धरती पर आए, भगवान राम ने जो भी अपने जीवन की लीला की, लेकिन उससे पहले ये गुरु और शिष्य का मिलन, गुरु और शिष्य का मिलन, राम और वशिष्ठ मुनि का मिलन और योग वशिष्ठ का आगमन, मैं वो बात ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जब आप हो, आपका जीवन है, आपके जीवन में जब तक इसका समाधान नहीं हुआ, आप कौन हो, आप किस लिए आए हो, जो मिथ्या है क्या सदा रहने वाला है, तब तक आप अपने जीवन को भलीभांति नहीं जी पाओगे। और जिस दिन आप भी राम की तरह
उस शक्तिशाली माँ स्वरूपा की तरह, ज्ञानवान लक्ष्मी की तरह, माँ की तरह, चाहे आप गायत्री कहो, सावित्री कहो, दुर्गा कहो, जो भी नाम रखो, आप जो भी नाम रखो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, लेकिन भाव इतना है कि आप अपने भीतर जो दो ऊर्जाओं को लेकर बैठे हो, जब तक इस सत्य का पर्दा नहीं उठाओगे, आप इस संसार के वास्तविक रूप को नहीं जान पाओगे। भगवान आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, जैसे यत्र तत्र ब्राह्मण करने वाले पति की मरुभूमि से आस्था हट जाती है, नहीं अब वो सोचता कि ये तो सारा क्या है, मरुस्थल है या कुछ भी नहीं है, मिट्टी मिट्टी हाथ आएगी, कहते इसी प्रकार से मेरे इन सब विचारों से, सभी भोग साधन पदार्थों से मेरा मन बुरी तरह हट गया है, मेरा चित्त हट गया है। इसलिए भगवान आप बताइए, ये दिखने वाला जगत सर्वात्मा नष्ट इसलिए असत्य है, तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, और ये जगत अगर असत्य है तो फिर पाना क्या है, अगर ये जगत सत्य है तो इसकी वृद्धि क्या है, जरा क्या है, मरण क्या है, आपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है, आविर्भाव क्या है, तिरोभाव क्या है, मुनिवर मुझे इन सब का ज्ञान दीजिए। जैसे पर्वत के ऊपर के वृक्ष आंधी में जर्जर हो जाते हैं, जिस प्रकार जो हिम है, बर्फ से ढके पहाड़ हैं, जब गर्मी पड़ती है वो बूंद बूंद होके पानी में पिघल जाते हैं, जैसे प्राण नामक वायु से प्रेरित होकर व्यर्थ ही लोग बात करते हैं, शब्द करते हैं, लेकिन उनसे कोई भी कार्य नहीं होता, जैसे पुराना वृक्ष अपने खोखले में रहने वाली उग्र अग्नि से जल जाता है, वैसे ही ये मुनि श्रेष्ठ, मेरा इस दुखों से छुटकारा कैसे होगा। अब मैं जल रहा हूँ, भगवान राम कह रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, भगवान राम के खुद के शब्द हैं, ऐसी चिंता रूप अग्नि में तो मैं सदा जलता रहता हूँ, संसार के विविध दुख रूप पाषाण से मेरा अंतःकरण जर्जर हो गया है, मैं अपने मित्रों और लोक से डरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से रो नहीं रहा हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन यदि मैं रोने लगूंगा तो वे सभी रोने लगेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी वेदना, अपना दुख, अपनी वैराग्य अपने अंदर, उन्होंने सारी चीजें गुरुदेव को सबके सब अपने सामने रख दिया। भगवान राम ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में धन संपत्ति स्थिर और विविध सुखों के हेतु क्या है, मूढ़ व्यक्तियों ने क्या मान रखा है जो स्थिर नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान राम ने अपनी पूरी की पूरी अपनी स्थिति, भीतर की स्थिति सच्चे रूप में सामने रख दी। जबकि आप अपने जीवन की स्थिति को गुरु के सामने, अपने सज्जन संगते में, अपने बड़े को, जो आप देखेंगे कि मुझसे बड़ा है, जब तक आप अपनी वास्तविक स्थिति नहीं रख पाओगे, तब तक आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। भगवान राम के इस तरह से बहुत विस्तार पूर्वक भगवान ने अलग अलग रूपों में बताया। उन्होंने कहा, सत्कर्म रूपी कमल के लिए रात्रि है, दुख रूपी जो कमल है उसके लिए चांदनी, अर्थात चांदनी में जो कमल है वो विकसित होता है, वैसे श्री के प्राप्त होने पे दुख खूब बढ़ते हैं। इस प्रकार से भगवत प्रभु में इस तरह से वो अपनी पूरी बात बता रहे हैं, और उसके बाद जब भगवान बार बार कह रहे हैं, कहते हैं बड़े सारे इसमें हम योग वशिष्ठ में देखेंगे, अपना 11वां सर्ग, 13वां, 12वां, 13वां, 14वां, भगवान राम बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, इतना लंबा अपने प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, और जब उनके नाना प्रकार के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जब वो अपने भीतर की स्थिति को कह देते हैं, तब भगवान राम 15वें सर्ग में भी भगवान राम कह रहे हैं, मुनिवर, अज्ञान रूपी निमित्त कारण से व्यर्थ ही अहंकार की उत्पत्ति हुई है। ये अहंकार जो चित्त में है, मन बुद्धि चित्त, जो मन में, बुद्धि में, चित्त में जो अहंकार भरा पड़ा है वो बढ़ता ही जाता है, उससे किसी पुरुषार्थ की तो सिद्धि नहीं होती, वो बढ़ता ही जाता है। संसार एक आकार वाला भी नहीं है, सदा रहने वाला भी नहीं है, ये तो विविध प्रकार का संसार है। भगवान इस प्रकार से अपनी जिज्ञासा, अपनी उत्कंठा रख रहे हैं, साध्य साधन फल प्रवृत्ति ये सभी संसार के आकार हैं, है ना, कभी इसमें फल मिलता है, कभी इसमें हम रम जाते हैं, कभी कुछ चीज़ हम पाते हैं, कुछ चीज़ हम नहीं पाते हैं। तब भगवान कहते हैं ना मैं राम हूँ, ना मैं रामचंद्र हूँ, ना मुझे विषयों की अभिलाषा है, ना ही मेरा मन है, मैं निर्वैर होके बुद्ध के समान अपनी आत्मा में स्थित रहने चाहता हूँ। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि बुद्ध के समान, उस समय तो बुद्ध का जन्म भी हुआ नहीं हुआ, यहाँ बुद्ध की बात है जिसके पास बुद्धि है,
मैं निर्वैर होकर बुद्ध के समान अपनी आत्मा में रहना चाहता हूँ, जैसे बुद्ध, जो बुद्ध पुरुष हैं यानी जो ज्ञानी पुरुष हैं जिनके पास ज्ञान है, वो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, वो किसी को कभी भी कष्ट नहीं देंगे, वो तो करुणा वाले होते हैं, महाकरुणा लिए हुए उनका अंतःकरण, उनका हृदय होता है। कहते हैं वैसे ही मैं भी किसी को भी ना पीड़ा पहुंचाऊं। युद्ध की बात है, मारने की बात है, चाहे वो राक्षस ही है, कोई भी है, कहते हैं मैं आत्मा राम होना चाहता हूँ। मैं कौन सा राम होना चाहता हूँ? आत्मा राम होना चाहता हूँ। मैं ऐसा पाठ पढ़ना चाहता हूँ, कहते अहंकार के वशीभूत होकर मैंने जो भी खाया पिया यज्ञ किया, इसके अतिरिक्त और भी जो काम किया, वे सब बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं ये सब। लेकिन उसमें भी कहते हैं भगवान राम, कहीं ना कहीं अहंकार रहता है, मैंने किया, कर्तापन का अहंकार। कहते हैं तो मैं ऐसा चाहता हूँ अहंकार रहित मुनिवर, मैं अहंकार को त्याग कर शांत चित होकर उद्वेग को छोड़कर बैठा हूँ। भोग समूह भंगुर देह इंद्रिय विधि विषय आदि के अधीन है। वो ये बोलते हैं ये सब कुछ विषयों के अधीन है। आप सब जानते हैं कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, विषय, और कहते हैं इस प्रकार किसी एक के भी नष्ट होने पे उद्वेग की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण हे ब्रह्म, जब तक अहंकार रूपी मेघ उमड़ता रहता है तब तक कृष्णा रूपी कुटज के फूल खूब खिलते हैं, और अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर कृष्णा बिजली की लकीर के तुल्य बुझी हुई दीपक की लौ की तरह बहुत ही शांति से कहीं विलीन हो जाती है। इस प्रकार से अपनी स्थिति नाना प्रकार के अलंकारों और उदाहरणों को देते हुए भगवान राम अपनी स्थिति बता रहे हैं। 16वें सर्ग में पुनः भगवान राम कहते हैं ये मुनिवर महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, ऐसा वचन है जो परम पुरुष कहते हैं। वो कहते हैं कि महापुरुषों की सेवा मुक्ति, यहाँ देखिए भगवान राम किस तरह से अपने भीतर का सब कुछ निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव के चरणों में, बोल रहे हैं इसलिए मुमुक्षुओं द्वारा अवश्य महात्माओं की सेवा के बिना काम आदि दोषों से चित्त शिथिलता को प्राप्त होता है, यानी कि चंचलता को। चंचल चित वायु प्रवाह में पतित मयूर की पूंछ के अग्रभाग की नई फिर नहीं रहता, यानी कि जिस प्रकार मोर घूमता रहता है, कहते हैं इसी प्रकार जो मेरा चंचल चित्त है वो नाना प्रकार के विचारों के द्वारा इधर उधर अभी बैठा है, अभी सुन रहा है, अभी हम योग वशिष्ठ की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, हम अपने भीतर देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम अपने भीतर के अब उस वाले राम पक्ष को, उस वाले उस तत्व को देख रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है, आप सबकी स्थिति क्या है। तो बोलते हैं कि वो जो मन है वो भी इस प्रकार इधर उधर भागता रहता है और कहीं भी शांति को नहीं पाता। इसी प्रकार जो चित्त है, अब वो चित्त की बात कर रहे हैं, चित्त स्वतः ही चपल स्वभाव है, विभिन्न चिंताओं द्वारा विचलित किया जाता है, हट पूर्वक विरोध करने पर भी धीरज नहीं मिलता। हम सब जानते हैं, बोलेंगे मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन ये जो चंचल चित्त है ध्यान नहीं लग रहा, बहुत लोग प्रश्न करेंगे ध्यान नहीं लग रहा। अरे भाई ध्यान लगेगा कैसे, आपके अंतःकरण में तो नाना प्रकार की चपलता, चिंताएं और बहुत कुछ और बड़ा है, अभी यहाँ जाना है, अभी पिक्चर देखने जाना है, अभी फलाना खाना है, अभी ढिमकाना करना है, इतने सारे चीजों को आप मन में लेके अगर ध्यान करने बैठ जाओगे ध्यान किस प्रकार लगेगा। और अगर यही मन एक निष्ठ होके बस मुझे केवल सत्य को जानना है, मुझे केवल स्वयं से मिलना है, मुझे केवल एक ब्रह्म ऋषि, एक अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपने आप को, उधर आपकी आंख बंद करती है आपका ऐसा ध्यान लगेगा जैसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, कहते हैं ना हंस उपाधि मिलती है ना आपको, परम हंस योगानंदा जी, तो हंस की उपाधि वो क्या करता है, हंस जल से दूध को निकाल लेता है। कहते हैं वैसे ही मेरा मोह रूपी रथ पर सवार मन भी इस शरीर से उद्वेग रहित हो गया है। तो यानी कि हम ये सारी चर्चाओं को अब करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसके बाद भगवान राम के जब सारे प्रश्न इनकी जब इनके बोले तो इनके बाद हम सब जानते हैं कि भगवान राम के चलता जाता है इनका पूरा का पूरा, ये अलग अलग भागों में डिवाइडेड है जो ये पूरा का पूरा, और उसके बाद कहते हैं कि भगवान
वशिष्ठ मुनि ने दोस्तों अब उनको उनको देख लिया, प्रसन्न है वो, बहुत प्रसन्न है। कहते हैं भगवान तुम राम तुम ये समझते हो आपके जीवन में वैराग्य, ये तो शुभ बेला आ गई है, ये तो शुभ बेला आ गई है, कोई विरला है, कोई विरले का चित्त ऐसा है जो कि ज्ञान को सुनना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, कोई विरला है, सब नहीं चाहते। तो बहुत प्रसन्न है, विश्वामित्र भी प्रसन्न है, वशिष्ठ मुनि भी प्रसन्न है कि भगवान राम के जीवन में उसका जन्म हुआ। उसके बाद कहते हैं जो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें मुमुक्षु मुक्ति क्या, मुमुक्षु क्या, सच्चाई क्या, पूरा जगत का उन्होंने सब बताया। अब हमारी बात आ जाती है, इतना भगवान राम के बाद हम सब ने देखा, हम सब लोग सीतायन भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, शक्तियों का दिन है, अवसर है, लेकिन बात यहाँ पे वो है जितनी आपको हजम हो जाए। मैं सबसे महत्वपूर्ण ये मानती हूँ, महत्वपूर्ण ये है कि कौन से अन्न के कण ने आपके शरीर में रक्त बना दिया। एक खाना रसोई में बनता है, एक खाना पीएसएसएम में बनता है, बन गया पीएसएसएम में खाना, बन गए बहुत सारे पीएमसी, हजारों पीएमसी हो गए, हो जाने दो, होने दो, हो गए ना पीएमसी, हिंदी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पक रहा है खाना अलग अलग भट्टियों में। बात महत्वपूर्ण ये है, रसोई में इतना भोजन बना 50 जनों का 100 जनों का 1 करोड़ जनों का, अब आ गया आपकी बारी। अभी मैं राम के बारे में कह दूं तो क्या, सीता के बारे में कह दूं तो क्या, दुर्गा के बारे में कह दूं तो क्या, तो क्या। बात महत्वपूर्ण ये है जो रसोई में खाना बना और जो आपके प्लेटर में आया, आपकी प्लेट में आया, वो कितना भोजन आपने खाया, फिर अंदर गया, कितना भोजन आपके लिवर ने, आपके आपके हार्मोन ने, आपके जूसेस ने, उसको कितना लिया। यानी आपके भीतर के, आपके अंतःकरण में जो आपके भीतर आपका गुरु तत्व बैठा है, उसने इस ज्ञान को आज के इस विशेष दिन पर जो बोला, कितना लिया, कितना एब्जॉर्ब किया, और आपके भीतर जाके उस भोजन का कितना तेजस तत्व, कितना आपका वीर्य, कितना आपका तेजस, कितना आपका खून रक्त बनाया, वो आपकी शक्ति देगा। That is only for you. राम आए तो क्या, राम गए तो क्या, कोई भी आया तो क्या, इसमें मेरा क्या और तेरा क्या। मैं बहुत बार बोलती हूँ, राम पेड़ पे चढ़ा क्यों, राम पेड़ से उतरा क्यों, तेरा क्या। इसलिए महत्वपूर्ण, तेरे जीवन में क्या बदलाव आ गया, कितना ध्यान किया, कितना ज्ञान सुना, कितनी बात सुनी। अब अपने सिस्टम को देखो भाई, देखो आपके उन 5 दुश्मनों को देखो, अपने चित्त में पड़े हुए अहंकारों को देखो, अपनी वासनाओं को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने भीतर परिवर्तन आ गया। तो राम विदिन जागृत हो गया, विदिन राम हो गया, हमें भी भीतर ज्ञान लग गया, हमें भी वशिष्ठ मुनि ने जो कहा हमें भी समझ में आ गया, क्या सत्य है, मृत्यु कैसे रूप लेती है, कैसे मैं बार बार आता हूँ, कैसे मैं मुक्त हो जाता हूँ। अगर ये समझ में आ गया तब तो आप अपनी लीला को, राम लीला को, अपनी शकुंतला लीला को, अपनी महेश लीला को, अपनी आशा लीला को, लीला ही लीला को, उस लीला को वाक्य में लीला करके जियोगे। लीला हम सबकी भी लीला, सब लीला ही लीला है ना। तो वहां लीला तक जाने के लिए कि हमारी भी लीला हो जाए, हम भी जब इस धरती को छोड़कर जाएं, तो रामायण के साथ में जो पिरामिड आयन लिखी जाएगी, पिरामिड मास्टर्स की कहानी लिखी जाएगी, हर एक पिरामिड मास्टर की कहानी लिखी जाएगी, इस
इस जगत की परिवर्तन की बेला के समय, इस जगत की परिवर्तन की बेला के समय जब युग ध्यान युग की ओर जा रहा है, जब हम सबके भीतर वो शक्तियाँ, वो अनंत अनंत दिव्य शक्तियाँ हम सबके भीतर जागृत हो रही हैं, और समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जिस प्रकार भगवान राम ने अपने महान कार्य किए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को देखा, उसी प्रकार से हम अपने जीवन में जब इस प्रकार से कहेंगे, तब मैं कहूँगी रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीता राम, तब मज़ा है ना। तो यहाँ पे मैं सबको केवल इस बात के लिए एक आमंत्रण देना चाहती हूँ, इस बात की क्लैरिटी के संग बोलना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है, समस्या है, तो ये ना समझ लेना वो केवल आपके जीवन में है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ है। वो कोई रंग नहीं जो कि कोई भी किसी के भी जीवन का रंग ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जिसमें कुछ भी अधूरापन ना हो। अधूरापन ही पूरापन की एक जिसे कहते हैं सीढ़ी है, अधूरे हैं तभी तो पूरे होंगे, अगर पूरे होते, हाँ ये बात और है, पूर्णता से ही पूर्णता की एक होता है, हम सब उस परम पुरुष परमात्मा की पूर्णता से ही पूर्ण रूप लेकर आए हैं, लेकिन हमें अपने भीतर का वो जो सत्य नहीं पता, उसके भीतर जो एक चिलमन आ गई है, एक आवरण आ गया है, वी आर नॉट गेटिंग कि भाई मैं वो हूँ, और अगर आप बोलते हो मैं उस स्थिति पे हूँ कि मैं स्वयं वो हूँ, तब आपकी जीवन लीला चल रही है। अब आप तब इस बात को अपने आप को सर्टिफाइड कर दीजिए कि यस मेरे जीवन की लीला चल रही है, सिल्वर रीति से चल रही है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और मैं इतना बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये जो अपने परम पद की बात है, जो भगवान राम के इस जीवन से तदीक्षणो परम पदम, अर्थात अपनी आत्मा की शांति को प्राप्त होना, मैं ही शांत रूप हूँ, मेरा ही अपना रूप ही है, राम शब्द कितना ही सुंदर लगता है, लेकिन बात यह है कि जब मुर्दा जा रहा होता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है, पहले नहीं बोलते ये बात, जाते हुए मुर्दे को याद दिलाते हैं राम नाम सत्य है, बोलो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। हाँ ये बात सत्य है कि राम नाम सत्य है, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन जीते जी हमें इस बात को जानना है, जीते जी उस राम तत्व को जानना है, ताकि हम जान पाएं कि मैं ही राम हूँ, मैं ही हूँ, मेरा जीवन दिव्य है, मैं दिव्य कर्मों को करने के लिए आया हूँ, मेरा जन्म दिव्य, मेरे कर्म दिव्य, मैं इन सब की ओर देखता हूँ, इन सबको मैं देखता हूँ, भगवान राम के जीवन की ओर, माता सीता की ओर मैं देखता हूँ, हनुमान की ओर मैं देखता हूँ, हनुमान जी ने किस प्रकार से भगवान राम की भक्ति की, किस प्रकार से भक्ति की, किस प्रकार से अगर हम भगवान राम के जीवन को देखते हैं आज, तो किस प्रकार से आप ये देखिए कि भगवान राम की अगर मैं जीवन के अनेकों घटनाओं का अगर आप जिक्र चाहते हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो ये है कि भगवान, मुझे सबसे अच्छी बात जो भगवान राम के जीवन की लगती है, उन्होंने कभी भी किसी के प्रति वो नहीं किया, लीला में जैसे कहते हैं कैकेयी के प्रति उन्होंने कभी भी कुछ नहीं, माँ है कहा है, क्योंकि वो जानते थे अंदर से सब कुछ जानते थे उनके जीवन का क्या है, और बस एक ही बार मेरे को उनके जीवन में नज़र आता है, अगर मैं उनके जीवन को देखती हूँ क्रोध करते हुए, जब वो समुद्र के ऊपर क्रोध करते हैं, है ना, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को कुछ भी याद है, लेकिन मुझे जितना याद है, मैंने रामलीलाओं में जितनी उनकी लीला देखी है, उससे ज़्यादा लीला तो मैंने कभी देखी नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे को इस जीवन में मैंने रामायण पूरी कभी नहीं पढ़ी है फ्रेंड्स, मैंने रामायण नहीं पढ़ी है, उसका कारण ये रहा कि मेरा जन्म जो परिवार में हुआ तो गायत्री मंत्र की साधना चलती थी, और गीता मुझे बहुत पसंद थी, और जब मेरी अपने 9-10 साल की उम्र में जब मुझे ज्ञान के बारे में जानने का हुआ, तो मैं मूर्ति पूजा कभी नहीं कर पाई थी, और इस तरह से ये कुछ बुक्स मेरी नहीं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, और ये पहली किताब मेरी अष्टावक्र गीता और योग वशिष्ठ थी, लेकिन भगवान राम की लीलाएं मैंने रामलीला में देखी हैं, दिल्ली में रामलीलाएं होती हैं, तो मैं रामलीला देखना पसंद था, तो वो समुद्र पे क्रोध करते हैं बहुत जोर से कि अगर आप अभी नहीं सूखे तो मतलब कि हम मैं सुखा दूंगा, मैं ऐसे अपनी तीर पे चढ़ा दूंगा, तो उनके सामने उनके तो, उनके संकल्प के सामने, विचार के सामने प्रकृति भी हार मान जाती है, ऐसा करके देखा उनको,
सभी मित्रवत उनको कैसे उनको मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और किस प्रकार से भगवान राम को सभी प्रकार की मदद मिलती है। तो मैं ये बस केवल इतना ही मेरे को जो समझ में आया आज के लिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे भीतर ज्ञान आ जाता है, एक करुणा पैदा हो जाती है, मैं एक कारण समझ लेता हूँ और मैं स्वयं भगवान हो जाता हूँ, भगवान हो जाता हूँ मतलब मैं अपनी उसको अपना उसको जान लेता हूँ, तो इस भगवान ने जो अवतार लिए, कहते हैं विष्णु भगवान का अवतार थे, तो समय समय पर ये जो उच्च महान शक्तियाँ हैं अलग अलग अवतारों के रूप में धरती के परिवर्तन के लिए ही आती हैं। आज ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी जी संसार में आए हैं, किसी को उनमें राम नजर आता है, किसी को उनमें शिव नजर आता है, किसी को उनमें कृष्ण नजर आता है, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी जी में। तो ये आप सब लोगों के अपने भीतर का एक श्रद्धा है आप लोगों के भीतर की। तो इसके साथ ही भगवान राम के जीवन के बारे में अगर आप लोग अब हम ध्यान भी करें